मुरादाबाद सांस्कृतिक समाज के तत्वावधान में साहित्य के गीतों की शाम निधि गुप्ता कशिश के नाम आयोजित की गई। दिल्ली रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन द्वारा महापौर विनोद अग्रवाल ने किया। सरस्वती वंदना मयंक शर्मा ने प्रस्तुत की। डॉक्टर अर्चना गुप्ता, डॉक्टर पूनम बंसल और मयंक शर्मा के काव्य पाठ के बाद सिलसिला आरंभ हुआ। निधि गुप्ता कशिश के गीतों का कार्यक्रम में सक्रिय सदस्यों और अतिथियों को पटका पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अंत में देश विदेश में ख्याति अर्जित कर चुकी साहित्यकार निधि गुप्ता कशिश का सार्वजनिक नागरिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्षता अनीता गुप्ता ने की और संचालन महानगर के वरिष्ठ रंगकर्मी और विख्यात रामलीला निर्देशक डॉक्टर पंकज दर्पण अग्रवाल ने किया। संस्था का लेखा जोखा कोषाध्यक्ष सुषमा गर्ग ने रखा। रघुकुल की ये रीति है, निभे वचन हर हाल, वन को रघुवर चल दिए, वलकल तन पर डाल, वलकल तन पर डाल। यहाँ पाले बतानी थी आपको, भावना जन की हृदय में रह गई, याचना के शब्द बंधित हो गए, भावना जन की हृदय में रह गई, याचना के शब्द बंधित हो गए। जब अयोध्या से चले श्री राम जी, मुख्य रूप से सुरेश चंद अग्रवाल, सीए हिमांशु मेहरा, अभय पांडे, हरि गोपाल शर्मा, मुकेश त्यागी, साधना अग्रवाल, ममता गर्ग, अजीत अग्रवाल, सीए रेणु गुप्ता, डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा, राजेश सिंघानिया, डॉक्टर अनिल महेश, राजू टंडन, गौरव गोयल, डॉक्टर बबीता गुप्ता, सीए राकेश अग्रवाल, आरती अग्रवाल, सौरभ मित्तल, नमिता अग्रवाल, डॉक्टर संगीता महेश आदि लोगों का सहयोग रहा। और आज मैं मौजूद हूँ यहाँ मुसांस मुरादाबाद की एक समिति है जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक कार्य कर रही है कवियों के लिए और जितने भी लोग हैं जो साहित्य प्रेम रखते हैं उनके लिए। तो मैं उन आपकी पूरी समिति को पंकज जी बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। यकीन मानिए, जब से मैं यहाँ पर हूँ मुझे लगा जितनी भी श्रोता यहाँ पर थे, जितने भी समिति के लोग थे, सभी ने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम में मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं एक अभिन्न हिस्सा हूँ इस समिति का। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आकर, और आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम रहेंगे और जब भी बुलाएं तो आप मुझे ज़रूर याद करें। और पंकज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ क्योंकि ये कार्य उन्हीं की बदौलत सम्पन्न हो पाया है।